रामलीला मैदान दिल्ली में संपन्न हुई इंडिया गठबंधन की महारैली में आगरा से आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नेतृत्व में तमाम लोग शामिल हुए। बीते दिनों दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरी दुनिया में इस गैरकानूनी कृत्य पुरजोर विरोध हो रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आज हो रही है, जिसमें पूरी भारत से आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। आगरा से भी तमाम लोग इस रैली में शामिल होने के लिए आज दिल्ली आए हुए हैं। जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ मुख्य रूप से जिला महासचिव संजय सिंह, ब्रज प्रांत से शैलेंद्र गायत्री, सुनील तिमोरी, अरुण प्रताप सिंह, यति नंदन आर्य, प्रवेंद्र यादव, सुरेश यादव, नरेंद्र निगम, केशव देव सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही भारत सरकार ने पकड़कर उन्हें जेल में डाला है, उसके आक्रोश में आज इंडिया गठबंधन की एक विशाल रामलीला ग्राउंड के अंदर रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और रैली नहीं, एक जो है सैलाब उमड़ा, जिससे बदलाव साफ साफ नजर आने लगा है कि अब ये जनता केंद्र सरकार की नीतियों के भ्रष्टाचार का और अपराध का जो है जवाब अपने वोट से की चोट से देकर इन्हें सत्ता से बाहर करके ही लेगी। बहन साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, आज इस दिल्ली की धरती पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ पूरे भारत के जितने भी विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, आज इस मंच पर मौजूद हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो भगवंत मान जी हों, सौरभ भारद्वाज जी हों, आतिशी जी हों, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी हों, सचिन जैन जी की पत्नी पूनम जैन जी हों, और तमाम आम आदमी पार्टी के सभी लोग। विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें तो राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और तमाम साथी ऐसे, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, नाम कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा मंच जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कहते थे कि ये लोग एक नहीं हो सकते, उनके मुंह पर ये तमाचा है कि वो देखें आके दिल्ली की धरती पर इस मंच को देखें और सब लोग नेता एक साथ एक मंच पर बैठे हुए हैं। इस समय जो भारत के अंदर एक अघोषित, मैं कहूंगा एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है, आपातकाल चल रहा है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि विपक्ष के नेताओं को ढंग से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने ना देना, ये इनकी मंशा है कि जिस तरह से किसी पार्टी का खाता शीश कर देते हैं। आम आदमी पार्टी से इन लोगों को विशेष लगाव है, इसलिए आम आदमी पार्टी से बड़े नेताओं को इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया, चाहे वो यूपी के सांसद संजय सिंह जी हों, चाहे इस समय जिसको लेकर पूरे विपक्ष एक हो चुका है, चाहे वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना हो, उनको जेल में डाल के ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये लोग ढंग से एक स्वतंत्र माहौल में चुनाव ना लड़ पाए। इसी को देखते हुए आज हम सब लोग आगरा से आकर इस रैली में शामिल हुए और यह लाखों की तादाद में, मैं कहूँगा लाखों की तादाद में जनता है जो आप देखेंगे। आप भी अपने मीडिया, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम दिखाइएगा कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस रैली में आकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताने वाले हैं कि इस समय देश की जनता जाग चुकी है और इस बार जो वोट होगा, इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, वोट की ताकत से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये देश गुंडागर्दी से, ईडी से, सीबीआई से, भ्रष्टाचार से नहीं चल के संविधान पर चलेगा, सत्यता पर चलेगा, अखंडता पर। धन्यवाद। सुनील तिमोरी, ब्रज प्रांत से। आइए, दिल्ली के अंदर हमारा जो रामलीला ग्राउंड है, इसमें इंडिया गठबंधन का जो आज महारैली का जो ये बहुत बड़ा जनसमूह मौजूद था, प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक जो कैंडिडेट हैं हमारे, हर प्रांत से आए हुए जो मुखी हैं, सभी मौजूद थे। साउथ से, बिहार से, पंजाब से, हर जगह से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौजूद नहीं था। अब ये हमें मोदी सरकार को ये जवाब देना है वोट की चोट से कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने गलत किया केजरीवाल जी को जेल में डाल करके। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही जुबान पर नाम था कि ये जो इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी को डाला है, सिटिंग मुख्यमंत्री जी को, जो कि बेकसूर है, इनके पास में कुछ भी नहीं निकला है, एक पैसे का नहीं निकला इनके पास में, इन्होंने जो जेल में ठूसा है, ये इसका जन आक्रोश आज जो है इस रामलीला ग्राउंड में जन सभा के साथ में दिखाई दे रहा है। लाखों लाखों की संख्या में हर प्रतिनिधि मौजूद रहा है, हर क्षेत्र से व्यक्ति मौजूद रहा है। अब हम इनको वोट की चोट से ये दिखाएंगे कि हमारे जो केजरीवाल जी को आज इन्होंने सत्ता से बेदखल किया है,
फिर भी जेल में रहकर के आज जो जनसमूह मौजूद है, हम ये दिखा देंगे कि हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं, हेल्थ पे उन्होंने काम किया, शिक्षा पे काम किया, प्रत्येक क्षेत्र में काम किया, जनता खुश है। ऐसा ही रामराज हम लोग लाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से, और यही मेरा अनुरोध है आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आज जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया, पंजाब में किया, प्रत्येक राज्य में करना चाहते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद सर।